गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अनेक संत सज्जनों के सुंदर विचार आप श्रवण कर चुके हैं। जिनके मन में सदैव निर्मल विचारों की धारा प्रवाहित होती रहती है, वही गुरु है। जिसके अंदर का कलमश मिट चुका है, जिसके मन के विकार धूल कर मन पूरी तरह से निर्मल हो गया है, जिसके मन का दुख समाप्त हो गया है, वही गुरु है। और ऐसे गुरु की शरण में जाने से हमें वैसा ही जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। गुरु उपासना का अर्थ होता क्या है? उपासना का सहज सरल अर्थ माना जाता है भक्ति, प्रेम, पूजा। ये सब अर्थ हैं, लेकिन उपासना को हम थोड़ा सा अलग ढंग से समझें, अलग अलग करके उप और आसना, ये दो पद मिलकर उपासना शब्द बनता है। उप का अर्थ होता है निकट, पास में। आसना का अर्थ होता है बैठना। तो उपासना का अर्थ हुआ निकट बैठना। आग के निकट हम बैठते हैं, स्वाभाविक रूप से हमें उष्णता मिलती है, गर्मी मिलती है। किसी झरने के निकट बैठते हैं, ताल तालाब के निकट बैठते हैं, सरोवर के निकट बैठते हैं, कहना चाहे पानी के निकट बैठते हैं, स्वाभाविक रूप से हमें शीतलता मिलती है। चोर के निकट बैठें, बराबर चोर के पास बैठते जाएं, तो चोरी करने की कला मिल जाएगी, चोरी कैसे करना चाहिए, चोरों तो बुद्धि आएगी। किसी वकील के पास बैठे और प्रेम पूर्वक उसकी बात सुनते जाएं, तो कानून के दांव पेंच, मुकदमा, कानून की धारा आदि, इनका ज्ञान होगा। किसी डॉक्टर के पास बैठे और डॉक्टर के क्रियाकलापों को बराबर ध्यान से देखते रहें, उनकी बात बराबर सुनते रहें, तो धीरे धीरे हमें रोग उत्पत्ति, रोग के निवारण, दवाई आदि का ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम किसी गुरु के निकट बैठते हैं, तो गुरु का जो जीवन आदर्श है, उनके जीवन की जो शुभ रहनियां हैं, ज्ञान है, त्याग तप आदि है, उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता जाएगा और धीरे धीरे हमारा जीवन भी वैसे बनता जाएगा। लेकिन यहां उपासना का अर्थ निकट बैठना तो है, किंतु
मात्र शारीरिक दृष्टि से निकट बैठना नहीं है। समय से हम गुरु के पास बैठते हैं, शारीरिक रूप से बैठते हैं, पास में रहते हैं, साथ चलते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से बैठना है गुरु का जो ज्ञान है, उन्होंने जो हमें उपदेश दिया है, वो ज्ञान और उपदेश के निकट अपने मन को बैठाना, अर्थात गुरु के ज्ञान और उपदेश के अनुसार अपने मन को बनाना, जीवन का आचरण बनाना, ये वास्तविक गुरु उपासना है। गुरु की हम बाहरी रूप से भक्ति करते चले गए, लेकिन गुरु का ज्ञान जीवन में नहीं उतरा, गुरु का जो आदर्श है वो जीवन में नहीं उतरा, तो गुरु की भक्ति करते हुए भी, गुरु के निकट रहते हुए भी हम गुरु से बहुत दूर हैं। अभी किसी महापुरुष को हम गुरु मानते हैं, उनके पास जाते हैं, सिर झुकाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनके साहचर्य में रहते हैं, तो क्यों? उनके शारीरिक व्यक्तित्व को देख करके नहीं। किसी को हम गुरु बनाते हैं, गुरु मानते हैं, तो शरीर की जो आकृति, शरीर की जो बनावट है, शरीर का जो रूप रंग है, उसके कारण से हम उसे गुरु नहीं मानते। किंतु उनका जो ज्ञान है, जो त्याग है, तप है, जीवन के जो उत्तम आदर्श हैं, उनके कारण हम उन्हें गुरु मानते हैं और उन्हें गुरु कहते हैं, मैं गुरु बनाते हैं। तो उनका जो जीवन का आदर्श है, त्याग तप साधना है, इन सब के निकट अपने मन को बैठाना, जिस आश्रम के कारण हम उन्हें गुरु मानते हुए महान कहलाते हैं, उन्हें आचरणों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना, ये गुरु उपासना है और यही गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ होता है। औपचारिक रूप से हम गुरु पूर्णिमा तो मना ले, लेकिन गुरु का ज्ञान जीवन में उतरा नहीं, गुरु का आदर्श समझ पाए नहीं, तो मात्र औपचारिकता बन करके ही रह जाते, कुछ फल हमें मिलता नहीं। सच्चे गुरु के पास यदि हम विनम्र होकर के जाते हैं, समर्पित भाव से जाते हैं, तो निश्चित है हमारा कल्याण होने में कोई देर ना होगी। समर्पण का अर्थ ही होता है अपना कोई मन ना होना, लेकिन बहुत कठिन है यह। हमारा अहंकार इसमें आड़े आता है, पूर्व के संस्कार आड़े आते हैं और हम समर्पित नहीं हो पाते। इसलिए गुरु के पास वर्षों रहते हुए भी हम उनसे सीख नहीं पाते, अहंकार का पर्दा लगा हुआ है, तो सीखेंगे क्या? जैसे एक छोटा बच्चा, एक शिशु अपने आप को मां की गोद में समर्पित कर देता है और निश्चिंत हो जाता है कब सुलाना है, कब जगाना है, कब नहाना है, कब खिलाना पिलाना है, ये सब जिम्मेदारी मां की हो जाती है, बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा समर्पण यदि हो जाए गुरु के प्रति, कल्याण के प्रति, तो कल्याण होने में देर ना होगी। इस संदर्भ में अथर्ववेद में
एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा गया है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम तिस रात्रि विभर्ति तम जातम तम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा तम तीर्थ रात्रि उदरे विभर्त तम जातम तम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। आचार्य उपनयमान आचार्य गुरु उपनय के लिए, उपनय का अर्थ होता है निकट खींचना और उपनय का अर्थ होता है दूसरा नेत्र ज्ञान नेत्र देना। गुरु ब्रह्मचारी शिष्य को साधक शिष्य को खींचकर अपने गर्भ में ले लेता है। जैसे गर्भस्थ शिशु माँ का खाना माँ का पीना माँ का सोना माँ का जागना माँ का साथ लेना सब उसके लिए होता है, उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। यहां कहा गया है कि गुरु शिष्य को अपने गर्भ में ले लेता, अपनी शरण में ले लेता है। क्यों? उपनय दूसरा नेत्र ज्ञान नेत्र देने के लिए, और उसे तीन रात्रि तक अपने गर्भ में रखता है। तीन रात के बाद वह जब साधक शिष्य पैदा होता है बाहर आता है उससे गुरु के गर्भ से, तब उसको देखने के लिए देवता लोग आते हैं लक्षणार्थ में है। तीन रात तक गुरु उसे अपने उदर में रखता है गर्भ में रखता है। तीन रात्रि क्या है? आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक अविद्या, इनसे हमारा मानस घिरा हुआ है। ये तीन रात की बात आती है। कठोपनिषद में जहां यमाचार्य और नचिकेता का संवाद है वहां भी यही बात आई है। नचिकेता के पिता वास्त्रवस यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे। उन गायों का दान कर रहे थे जो बच्चा पैदा करना तो दूर बराबर घास भी खाने में समर्थ नहीं थी, इतनी बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे। नचिकेता उस समय कुमार था किशोरावस्था में। उन्होंने देखा कि पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं और अच्छी दूध देने वाली गायें तो गौशाला में बंधी हुई है, इन्हें पिताजी मेरे लिए ही रख रहे हैं तो मुझे ही क्यों नहीं दान कर देते। तो नचिकेता जाता अपने पिता के पास कहता है पिताजी आप मुझको किसी को दान कर रहे हैं, मुझे किसको देंगे। वास्त्रवत को अच्छा नहीं लगा, चुप रहे। थोड़ी देर के पश्चात नचिकेता ने पुनः पूछा पिताजी आप मुझे किसको दान कर रहे हैं। गुस्सा आया लेकिन शांत रहे चुप रहे। थोड़ी देर पश्चात नचिकेता ने फिर पूछा तीसरी बार कि पिताजी आप मुझे किसको दान करेंगे। उनके पिता को गुस्सा आ गया और कहा जा तुझको मैं यमराज को दे रहा हूं। लेकिन कह तो दिया फिर पश्चाताप हुआ अरे ये मैंने क्या कह दिया, पीड़ित हुआ। तो नचिकेता ने कहा पिताजी पीड़ित होने की बात नहीं है, प्राणी तो फसलों के समान उगते हैं बढ़ते हैं फलते हैं फूलते हैं नष्ट हो जाते हैं, जन्म मरण को ठिकाना है थोड़े हैं। नचिकेता चले गए यमराज के यहां। यमराज उस समय बाहर थे रूपक है। तो नचिकेता तीन रात तक
बिना खाए पिए यमराज के दरबार में पड़े रहे। उनके यमराज के सेवकों ने, उनकी पत्नी ने, सब ने कहा और तीन दिन में आ जाएंगे खाओ पियो। कहा नहीं, मैं जब तक यमराज नहीं आएंगे, उनसे मुलाकात नहीं हुई, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तीन रात तक वहां पड़े रहे। जब यमराज आए, लोगों ने बताया कि ब्राह्मण कुमार, एक ऋषि कुमार, तीन रात तक बिना खाए पिए पड़े हुए हैं। तब यमराज गए और कहा नचिकेता, तुम तीन रात्रि तक बिना खाए पिए यहां पड़े थे, मैं तुमसे, तुम्हारी निष्ठा से खुश हूं, तुम मुझे तीन वरदान मांग लो। मैं ये कह रहा था कि यहां पर भी तीन रात की बात आती, जब तीन रात है तो तीन दिन भी तो होगा, बिना तीन दिन बीते तीन रात कैसे होगी। लेकिन रात की बात करते ऋषि, वहां भी अर्थ है आधि दैविक आधि आधि भौतिक और आध्यात्मिक अविद्या। हर आदमी इन तीन अविद्याओं से ग्रसित है। जिनकी ये तीनों अविद्याएं पूरी की पूरी मिट जाती है, वही गुरु हो जाता है। इसमें किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। अधिदैविक अविद्या क्या है? दैव का अर्थ होता है प्राकृतिक शक्ति। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके उनकी उपासना में, प्रार्थना में अनेक मंत्र ऋषि कहते चले गए हैं। तो देव का अर्थ है प्राकृतिक शक्ति। प्राकृतिक शक्तियों को देवता कहा जाता है। तो आधिदैविक अविद्या है, ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाया ये दुनिया, बनाई ये दुनिया कौन चला रहा है, पानी आकाश से बरसता है, समय से बरसता है, कैसे बरसता है, सूरज सुबह से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, कैसे होता है, तारे आकाश में रात में दिखाई पड़ते हैं, सुबह कहाँ चले जाते हैं, ये वृक्ष वनस्पतियां कैसे बन जाते हैं, तमाम किस्म के संदेह आदमी के दिमाग में खड़े होते हैं। और सदैव से ये प्रश्न लोगों के दिमाग को पूरे देता रहा है कि दुनिया कहां से आ गई, कैसे आ गई। यदि कोई दुनिया बनाने वाला है तो उन्होंने दुनिया कब बनाई, कैसे बनाई, क्या लेकर के बनाई, क्योंकि दुनिया हमारे सामने है। और देखकर संदेह होता है मन में, प्रश्न लोग करते हैं, प्रायः बिना बनाए तो कुछ बनता ही नहीं, दुनिया कैसे बन जाएगी, कोई बनाने वाला होगा। ये प्रश्न आज का ही नहीं है, सदा काल का ये प्रश्न है। ऋग्वेद में जो एक मंत्र आता है, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्थनवंतम यद अनस्था विभर, ये पहली पंक्ति है। इसमें ऋषि कहते हैं को ददर्श प्रथमम जायमानम, पहले पहले उत्पन्न होते को किसने देखा है। ये जो सूक्ष्म प्रकृति है, स्थूल जगत को धारण करके ये जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो हड्डी रहित है, हड्डी रहते मतलब पार्थिवता रहित, स्थूलता रहित, सूक्ष्म। अब स्थूल का अर्थ है यहां पर पार्थिव, मतलब है ये जो सूक्ष्म प्रकृति ये स्थूल जगत को धारण करके घूम रही है, इसको पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा है, ये ऋग्वेद के ऋषि का प्रश्न है। तो मूल बात यहां यह है कि दुनिया को देख करके हमारे मन में शंकाएं होती हैं कि आखिर दुनिया कैसे बनी, कौन चला रहा है, कैसे हो रहा है। और जब समाधान नहीं मिलता है तो हम अलग से एक सृजेता की कल्पना कर लेते हैं। कोई एक सृजेता बैठा हुआ है किसी लोक में, विभिन्न मत मतांतरों में उस सृजेता को अनेक नाम दिए गए हैं। उस सृजेता की कल्पना क्यों होती है? क्योंकि हम प्राकृतिक शक्तियों के जो गुण धर्म हैं
उनका अध्ययन नहीं करते या नहीं करना चाहते। जैसे ही हम प्राकृतिक शक्तियों के गुणधर्मों का अध्ययन करना शुरू करते हैं, सारा दैववाद उड़ जाता है, और दैववाद का मोह, दैववाद का नशा हमारे दिल दिमाग में गहराई से चढ़ा हुआ है। भय होता है, फिर हमारे परमात्मा का क्या होगा, हमारे भगवान का क्या होगा, और इसी अवस्था से हम जीवन भर ग्रसित रहते हैं। यदि प्रकृति के गुणधर्मों को, प्रकृति के जो तत्व हैं, विश्व के जो शाश्वत नियम हैं, कारण कार्य की जो व्यवस्था है, निष्पक्ष होकर हम इनका अध्ययन करें तो पता चल जाएगा जो कुछ हो रहा प्रकृति में ऑटोमेटिक अपने आप, ये स्वचालित है प्रकृति, इसकी व्यवस्था ऑटोमेटिक व्यवस्था है, संचालन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये अधिदैविक प्रकृति के गुण धर्मों को समझ करके इसके अनुसार ही निर्भ्रांत बोध हो जाना आधिदैविक अविद्या का खत्म हो जाना है। दूसरी अविद्या है आधिभौतिक। भौतिक मतलब भूत संबंधी, भूत के अनेक अर्थ होते हैं, भूत के अर्थ जड़ तत्व भी होते हैं, भूत का अर्थ भूत प्रेत वाला भूत भी होता है, भूत का बीता समय भी होता है, लेकिन यहां भूत का अर्थ है प्राणी। जैसे कि गीता में कहा गया है दया भूतेश, भूतेश मतलब जीवों पर दया करना, तो भूत का अर्थ है प्राणी। प्राणियों में खास करके मनुष्य, जिनके संग साथ हमें रहना होता है, उनको लेकर हमारे मन में संदेह होता है। पति को पत्नी के व्यवहार में, पत्नी को पति के व्यवहार में, माता पिता को बेटे बहू के व्यवहार में, बेटे बहू माता पिता के व्यवहार में, भाई को भाई के व्यवहार में, ननद को भाभी, भाभी ननद के व्यवहार में, पड़ोसी पड़ोसी के व्यवहार में, अनेक प्रकार के संदेह, भ्रम, किसी के कुछ क्रियाकलाप, कुछ व्यवहार हमारे मन के अनुकूल नहीं हुए, हम तुरंत संदेह खड़ा हो जाता है कि ये मेरा विरोधी तो नहीं हो जाएगा, साथ तो नहीं छोड़ देगा। अब जहां भ्रम संदेह खड़ा हुआ, जीवन नरक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में गलत लोग नहीं होते हैं, है कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन अधिकतम तो हमारे मन का संदेह होता है। यदि दो व्यक्ति आपस में कहीं बात कर रहे हों और हम पहुंच जाएं उनके निकट, या हमें देख करके वे दोनों व्यक्ति बात करना बंद कर दें, हमारे मन में संदेह होता है कि वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहे थे, मेरी बुराई कर रहे थे। अब उन दोनों व्यक्ति के लिए हम गलत धारणा बना लेते हैं, जबकि हो सकता है उनकी बातचीत का जो विषय है, हम तो कोई संबंध ही नहीं रहा, कोई दूसरी बात कर रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, थोड़ी चीजों को लेकर के संदेह होता है, भ्रम होता है। परिणाम क्या होता है? घर में खाने पीने तमाम चीजें रहने, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन सुख किसी के मन में नहीं है, क्योंकि संदेह। इस संदेह का निवारण करना होगा, और प्रेम विश्वास और सेवा से इसका दूर, ये संदेह दूर होगा, ये भ्रांति दूर होगी। प्रेम विश्वास और सेवा के बल पर ही हमारा व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सुंदर बन सकता है। लेकिन अहंकार आ गया, स्वार्थ आ गया, छल आ गया, बस खत्म। हम अपने मन की भावनाओं को दूसरों पर आरोपित कर लेते हैं, मन की भावनाओं को जितना दूसरों पर आरोपित करते गए व्यवहार गलत होता चला गया। जैसे कहा जाता है, कांच का एक मंदिर था, उसमें चारों तरफ कांच लगे हुए थे, एक कुत्ता उस कांच के मंदिर में घुस गया,
उसे चारों तरफ अपनी परछाई दिखाई पड़ने लगी। कुत्ता समझा कि ये दूसरे कुत्ते हैं, अन्य कुत्ते हैं। अब कुत्तों का स्वभाव होता है भिन्न कुत्तों को देख करके भौंकना। वो कुत्ता उनको अपने प्रतिबिंब को सही कुत्ता मानकर भौंकने लगा। जब वो भौंका तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी, तो समझा कि ये भी भौंक रहे हैं और जोर से भौंकने लगा। बस ऐसे भौंकते भौंकते वो कुत्ता मर गया। हम भी भौंक ही रहे हैं दूसरों को देख देख करके। वो मेरा विरोधी, वो मेरा विरोधी, वो मेरा बुराई करता है, वो मेरी हानि कर रहा है। अपने मन में जो मन का जो कालुष्य है, मन का जो संदेह भ्रम है, हम बराबर दूसरों पर आरोपित करते चले जाते हैं। परिणाम क्या होता है? क्लेशपूर्ण जीवन, दुखद व्यवहार, परिवार में रहते हुए भी सब पीड़ित। हमें समझना होगा कि जैसे मेरे पास अपना मन है, वैसे दूसरों का पास भी अपना मन है। हर व्यक्ति अपने अपने मन के अनुसार से काम कर रहे हैं। झुकना होगा, समाधान करना होगा, सहना होगा, अब प्रेम सेवा विश्वास का व्यवहार करना होगा, तभी जीवन सुखद हो सकता है। तो अधिभौतिक अविद्या है दूसरों पर संदेह करना, अब दूसरों को अपने विरोधी मान लेना और विरोधी मान करके राग द्वेष की आग में जलते रहना। आध्यात्मिक अविद्या, आत्मा संबंधी अविद्या। आत्मा का अर्थ होता है अपना, स्वयं, सेल्फ। मैं कहां से आया, कैसे आया, मेरा सुख दुख देने वाला दूसरा कोई है कि कौन है, इसका समाधान ना हो पाना और अपना आधार कहीं बाहर खोजना। अलग कोई देव मिलेगा, अलग कोई परमात्मा मिलेगा, अलग से कहीं मोक्ष मिलेगा, अलग से कोई ब्रह्म मिलेगा। हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, जैसा वो नचाता हो वह वैसा हम नाचते हैं। यह भ्रम आदमी दिमाग पर लदा हुआ है। आत्मबोध नहीं हो पाता है आदमी को। थोड़ा सा विचार करे तो पता चल जाएगा कि जितने भी जीव हैं सब अलग अलग हैं। जितने जीव सब अलग अलग हैं और सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग भोग रहे हैं। इन्हें नचाने वाला, कर्म फल भोग देने वाला या जन्म मरण के चक्र में घुमाने वाला दूसरा कोई है नहीं। और यदि अलग से कोई ब्रह्म या ईश्वर मानकर तृप्त होना चाहेंगे तो अलग से की चीज मिलेगी, मिल करके छूट जाएगी, फिर खाली का खाली। अपनी पूर्णता का बोध नहीं है आदमी को, अपनी असंगता का बोध नहीं है आदमी को। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में भगवान पाने के लिए, ईश्वर पाने के लिए कितने कितने लोग भटक रहे हैं। त्यागी हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, साधक हैं, वैरागी हैं, विद्वान हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आत्मबोध के अभाव में भटक रहे हैं, परेशान। सही आत्मबोध होना, अब ये इसके मूल में कारण क्या है? बाहर से कुछ पाने की इच्छा। हम बाहर से हमें पाना चाहते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा, पता नहीं क्या क्या पाना चाहते हैं। और ऐसे हम बाहर से परमात्मा पाना चाहते हैं। जब तक बाहर से कुछ भी पाने की इच्छा रहेगी और बाहर से कुछ पा करके तृप्त होना चाहेंगे, भटकाव कभी मिटेगा नहीं। उधारी का परमात्मा काम नहीं आएगा, उधारी का मोक्ष काम नहीं आएगा। कुछ पाने की इच्छा छोड़ दो, पाने की इच्छा छोड़ने वाला जो शेष रह जाएगा वो परमात्मा, वो आपका स्वरूप है, आप परमात्मा रूप है। न धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, गद्दी चाहिए, न गद्दी मंदिर चाहिए तो परमात्मा चाहिए। ये जो चाहिए है यही दुख का कारण है। आत्मबोध हो जाए तो दुख का दुख खत्म हो जाएगा। आप अपने आप में पूर्ण हैं,
थोड़ा सा ये विचारो, लोग ये कहते हैं कि जी यदि पूर्ण होगा, पूर्ण होता तो दुखी क्यों होता? जी अपूर्ण है इसलिए जी दुखी है। जब ये अपूर्ण जीव पूर्ण ब्रह्म में, पूर्ण परमात्मा में, पूर्ण भगवान में मिल जाएगा और मिलकर के पूर्ण हो जाएगा, तब इसका दुख खत्म हो जाएगा, तब ये सुखी हो जाएगा। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर के पूरा हो जाती है, उसे मिल गई बस, नष्ट होने से खत्म, अब नष्ट होने की संभावना नहीं है। ऐसे ही बूंद समुद्रवत जीव जब ब्रह्म में मिल जाएगा तब वो अखंड हो जाएगा, मुक्त हो जाए, जन्म चक्कर खत्म हो जाएगा, आनंद से भरपूर हो जाएगा। बात सुनने में बढ़िया लगती है, लेकिन थोड़ा सा विचार है, यदि जीव अपूर्ण है तो अपूर्ण कब से है? जीव पहले से अपूर्ण है या बीच में अपूर्ण है? यदि ये कहा जाए कि जीव बीच में अपूर्ण हुआ, तो जब पहले पूर्ण था तो अपूर्ण क्यों हो गया? तो जैसे पहले पूर्ण था, बीच में अपूर्ण हुआ, परमात्मा मिल गया, फिर पूर्ण हो गया, तो बाद में फिर अपूर्ण हो जाएगा। जिसका स्वभाव ही अपूर्णता है वो पूरा कैसे होगा, वो पूर्ण कैसे हो सकता है? अब बीच में हुआ तो फिर जैसे पूरा पूर्णता से पूर्णता, पूर्णता से पूर्णता, एक क्रम चलता रहेगा, फिर तो दुख तो दूर नहीं हुआ। और यदि ये कहा जाए कि जीव शुरू से ही अपूर्ण है, स्वभाव ही अपूर्ण है जीव का, तो किसी स्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लो, आग से गर्मी दूर करोगे नहीं। आग है तो गर्म तो होगी ही होगी, स्वभाव है उसका। ऐसी जीव का स्वभाव यदि अपूर्ण है तो एक नहीं एक लाख ईश्वर मिल करके जीव को पूरा नहीं कर सकते। यदि बीच में अपूर्ण हुआ तो ईश्वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर मिलेगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर अपूर्ण हो जाएगा, मिलता ईश्वर छूटेगा, फिर अपूर्ण मिलेगा, फिर पूर्ण, फिर छूटेगा, फिर अपूर्ण, कब तक यह क्रम चलेगा? और स्वभाव से अपूर्ण है तो ईश्वर उसे पूरा कैसे कर सकता है? ये भ्रम दिमाग में लगा हुआ है कि जीव अपूर्ण है, आत्मा अपूर्ण है, पूर्ण ईश्वर में मिलकर के पूरा होगा। ये जब ये भ्रम जब तक दिमाग से दूर नहीं होगा, कहीं भी रह करके आप पूर्ण आत्म संतोष, आत्म शांति का अनुभव नहीं कर सकते, चाहे कितना बड़े बड़े बैरागी क्यों ना बन जाए। आप पूर्ण हैं, समझ नहीं रहे हैं। इसी अपूर्णता को समझने के लिए ये जो पूर्णता है और अपूर्णता की चाहना हम भटक रहे हैं, इसको दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। मैं बात ये कह रहा था, जिसकी अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों अवद्याएं मिट जाती है, वही गुरु हो जाता है। और इन्हें अपनी अविद्याओं को मिटाने के लिए ही हमको गुरु शरण की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसा कहा गया, गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन गुरु कौन है? अभी अनेक संतों ने कहा गुरु के नाम पर बहुत भटकाव है, बहुत भटकाव है, बहुत भटकाव। इतना याद रखें, जो भी सच्चा गुरु होगा कहीं कभी हो, वो आपको झूठा आश्वासन नहीं देगा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। खुद ही बंधन में पड़ा हुआ है, आपको मुक्ति कहां से दे देगा? कोई दुकान की चीज है कि दे देगा आपको? सच्चा गुरु आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें ईश्वर से मुलाकात करवा दूंगा। जो भी गुरु कह रहे हैं कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, स्वर्ग का टिकट दे दूंगा, भगवान से मुलाकात करवा लेंगे, समझ लेना दो नंबर के गुरु हैं। सच्चा गुरु ये आश्वासन नहीं देगा, ये धोखा नहीं देगा। और सच्चा गुरु ये भी नहीं कहेगा
कितने लोग का कितने शिष्य होते हैं, सहज जिज्ञासु साधक होते हैं, जाते हैं संतों के पास, गुरु कहलाने वालों के पास, कुछ पूछते हैं, अरे ऐसे नहीं बताएंगे भाई, सही बात हम तुमको तब बताएंगे जब हमसे दीक्षा लोगे, हमारा शिष्य बन जाओगे तब सही बात बताएंगे। जो गुरु ऐसा कह रहे हो हमसे दीक्षा लो हमारा शिष्य बनो तब सही बात बताएंगे, समझना दो नंबर के गुरु हैं। उतने दीक्षा लेने न लेने की क्या जरूरत है, शिष्य बनने न बनने की क्या जरूरत है, क्या अकेले दीक्षा देगो तो कोई लड्डू के मुंह में डाल दोगे वो खाकर के तृप्त हो जाएगा। धर्म के क्षेत्र में गुरु, गुरुओं के नाम पर धंधेबाजी बहुत चल रही, बहुत चल रही है। सच्चा गुरु आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं देगा, वो सही बात बताएगा। वो ये नहीं कहेगा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बस कोई मंत्र दे दूंगा और तुम दुख से मुक्त हो जाओगे, नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं है दुख से मुक्त हो जाने का। दुखी क्यों है आप ये समझना होगा, दुखी है इच्छा कामना का चाहिए के कारण, चाहना बंद कर दो दुख खत्म। तो जिसकी चाहना पूरी हो गई है, जिसके मन में कोई चाहना नहीं, सारी बाहरी लौकिक चाहनाएं जिनकी खत्म हो गई है, यहां तक मुक्ति की भी चाहना नहीं करना है। हमारे कबीर पंथ में आज से 150 साल पहले एक महान संत हुए हैं, सदगुरु श्री पूरन साहेब जी, उन्होंने उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, पुस्तक है पुस्तिका का कुछ पंक्तियों का वैराग्य शतक, उसमें उन्होंने कहा है केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान। यदि मुक्ति का आशा कर रहे हो समझना भी बंधन में हो, मुक्ति की भी आशा नहीं करना है, मुक्ति की आशा नहीं करना है, मुक्ति के लिए काम करना है और मुक्ति पाना भी नहीं है। यद्यपि धर्म के मार्ग में जितने भी साधक आते हैं कहते हैं मोक्ष पाने के लिए आए, मोक्ष पाना नहीं है, मोक्ष आपका स्वरूप है, मोक्ष हमारा स्वरूप, मोक्ष हर व्यक्ति का स्वरूप है। स्वरूप है तो अनुभव क्यों नहीं होता है, बंधनों के कारण। जितने बंधन हैं राग द्वेष अहंता ममता आदि के, इनको मिटा दो, सारे बंधन मिटे, शेष जो रह गया वो मुक्त है। जैसे आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बीमारी दूर कर दो आप स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य आपका स्वभाव है, स्वास्थ्य आपका स्वरूप है, बीमारी के कारण से आपको तकलीफ होती है, स्वस्थ हैं तो दुख है तो दुख कहां है, स्वस्थ हैं तो पीड़ा कहां है, कहीं पीड़ा है शरीर में, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ हैं तो पीड़ा नहीं, चलने फिरने उठने बैठने में कहीं कोई असुविधा नहीं होगी, चलने फिरने में उठने बैठने में सोने जागने में कहीं दर्द है कहीं पीड़ा है, मतलब आप स्वस्थ नहीं बीमार हैं। अब स्वस्थ पाने के लिए करना क्या है, सिर्फ बीमारी हमें दवा हमें दवा स्वस्थ रहने के लिए नहीं खाना है, हमें दवा खाना है बीमारी को मिटाने के लिए। बीमारी मिट गई, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, ऐसे ही मोक्ष हर व्यक्ति का स्वभाव है, मोक्ष हर व्यक्ति का स्वरूप है, पाना नहीं है, केवल बंधनों को दूर करना है। सारे बंधन कट गए, कोई बंधन, और बंधन क्या है, मन की मान्यताएं, अहंता ममता, भ्रम कल्पनाएं, राग द्वेष, कहना चाहिए मन के मानसिक विकार ये बंधन है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए मानसिक विकारों दूर करने की बात की, उन्होंने कहा कर विचार विकार परिहरि तरन तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीया और न को। विचार करके जिन्होंने सारे विकारों का परित्याग कर दिया वो तरन हो गया, वो गुरु हो गया। गुरु कौन, जिनका मन निर्विकार निर्मल, जिनका जीवन निर्विकार, वो गुरु।
तो विचार करके, विचार पूर्वक जिन्होंने सारे विकारों का त्याग कर दिया वो तरण हो गए, भव सागर से पार हो गए। हमारे मन के विकार ही भव सागर है, इच्छा कामना अहंता ममता यही भव सागर है, इसे पार कर गए तो आप भव सागर से पार हो गए। वही दूसरों को तारने वाला बन जाता है, प्रेरणा देने वाला बन जाता है। साहब कहते हैं कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीय और न कोई। ऐसे जो निर्विकार जीवन संत गुरुजन है वही भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान। द्वितीय और न कोई, तुम्हें पार करने वाला दूसरा भगवान और आकाश पाताल में कहीं मिलेगा नहीं। उनकी शरण में जाओ, उनकी भगवान की शरण में जाने का अर्थ होता है भगवान बनना। लोग ये कहते हैं गुरु, जो सच्चे गुरु होते हैं वे शिष्य साधक को भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। यदि भगवान से मिलना है तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु बताएंगे भगवान से मिलने का रास्ता। गलत बात। सच्चे गुरु भगवान से मिलने का रास्ता नहीं बताते, भगवान होने का रास्ता बताते हैं। मिलोगे तो फिर बिछुड़ जाओगे, और हो जाओगे तब हो ही गए ना, अब बिछुड़ना क्या इसमें है। तो सच्चे गुरु भगवान से मिलने का रास्ता नहीं बताते, भगवान होने का रास्ता बताते हैं। अब आप भगवान हैं, भगवत्ता का स्वरूप है, भगवत्ता हर व्यक्ति का स्वरूप है, जीव मात्र का स्वरूप है, भूल गए हैं। गुरु सिर्फ उस जो आवरण है उस आवरण हटाने के प्रेरणा देता है, तो कहीं पाना कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा था इच्छा कामना जो तृष्णा है ये हमारे भटकाव का, दुख का, पीड़ा का, बंधन का कारण है। इनको दूर कर दिए बस सब खत्म। इसी के लिए चाहिए सच्चे गुरु की शरण, पूरे गुरु शरण। कबीर साहब ने कहा है पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे देने लगाए के मूलों आवे को। पूरा साहेब, पूरे साहेब, यदि पूरा पाना चाहते हैं तो पूरे साहेब का सेवन करो। अब पूरा साहेब कौन? निष्काम, निर्मोह, अनासक्त, जिसका मन है वो पूरा साहेब है। गुरुदेव जी ने एक लेख में लिखा है, थोड़ी बात अगर अपनी बात समाप्त करूंगा अब। पूरा कैसे हुआ जा सकता है? पांच श्रेणियां हैं गुरु, जो गुरु एक दर्जा है। अब गुरु हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर व्यक्ति गुरु है, जीव मात्र गुरु है, लेकिन उसका उद्घाटन कोई कोई कर पाता है, सभी उसका उद्घाटन नहीं कर पाते। एक क्रम है उद्घाटन करने के लिए, जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुता, संतत्व और गुरुत्व। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा है, समझने की जो इच्छा है वह जिज्ञासा है। और जिज्ञासा किसी किसी में होती है, बाकी लोग तो सब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, पाल पोत रहे हैं, उसी में रीझ रहे हैं, खींच रहे हैं, उलझ रहे हैं, बस खत्म इतने जीवन, इतना जीवन मान लिया। लेकिन सही बोध माने की इच्छा जिज्ञासा किसी को नहीं है, आखिर मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, बंधन में क्यों पड़ा हुआ हूं, दुखी हूं तो दुखी क्यों हूं, ये दुख दूर कैसे हो सकता है, दुख दूर करने के उपाय का है, कौन रास्ता बताएगा, एक जिज्ञासा होती है जानने की। जब जिज्ञासा प्रबल हो जाती है तब खोज शुरू होती है, जब खोज शुरू होती है तो साधक जाता है किसी गुरु के पास। जब ये पता चल गया तो गुरु बताते हैं बेटा कि दुखी तुम हो अपने अज्ञान के कारण, देहाभिमान, देहाशक्ति के कारण, अहंता ममता के कारण। तब यह होता है यह अहंता ममता दूर कैसे हो, इसे छुटकारा कैसे मिले, तो आजा जैसा मुमुक्षा। मुमुक्षा की इच्छा का अर्थ है मोक्ष की इच्छा, छूटने की इच्छा, छुटकारा पाने की इच्छा।
मुक्तम इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष का मतलब छुटकारा। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। दुख से छुटकारा हो गया, रोग से छुटकारा हो गया, रोग से मोक्ष हो गया। फिर मोक्ष की इच्छा होती है कि आखिर मेरा ये तो जान लिए कि मेरा दुख अमुक कारण से है, लेकिन वो दुख दूर कैसे होगा, उसे मैं बचूं कैसे, ये इच्छा है मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। जब मोक्ष की इच्छा हो गई तब तीसरी अवस्था आती है साधुता की। फिर साधना करता है दुख से बचने के लिए, बंधनों से छूटने के लिए, मानसिक संतोष के लिए, मानसिक के लिए मन के विकारों को काटने के लिए साधना होती है। और जो साधना करता है वो साधु है। साधु का अर्थ होता है साधना करने वाला। इस अवस्था में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। कभी हम स्वयं हार जाते हैं और कभी हमारा मन हार जाता है। कभी हम मन से हार जाते हैं, कभी मन हमसे हार जाता है। चलते हैं, पुरानी यादें भटकाती है, फिर फिसल जाते हैं। सावधानी होती है, फिर आते हैं। तो ये साधना की स्थिति है, डगमगाहट की स्थिति होती है। लेकिन ये रास्ता ही है, कोई एकाएक पूरा नहीं होता है। जो आज साधना कर रहा है भूल उसी से होगी, जो काम कर रहा है भूल उसी से होगी, जो काम कर रहा है काम उससे ही बिगड़ेगा। जो निकम्मा बैठा हुआ है उस आदमी से काम क्या बिगड़ेगा। तो तीसरी अवस्था है साधना की अवस्था। इस अवस्था में कभी हार कभी जीत डगमगा स्थिति होती है। लेकिन लगा रहा प्रयास छोड़ा नहीं, धीरे धीरे मानसिक विकारों पर विजय मिल गई। मन की बहिर्मुखता, मन की चंचलता मिट गई, मन अंतर्मुख हो गया, शांत हो गया। यह दशा है चौथी दशा, संतत्व दशा, संत की दशा। संत कौन? जिसका मन शांत है वो संत। किस कपड़े में है कोई मतलब नहीं। कहां रहता है कोई मतलब नहीं। मन के विकार ही अशांति के कारण है। जितने मन में विकार होंगे मन उतना उद्वेगित होगा, अशांत होगा। मानसिक विकारों को दूर करने के लिए साधना की है, साधना पूरी हो गई, मानसिक विकार दूर हो गए, दशा आगे संतत्व की शांत। ये जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाई है। इसी जीवन की पूर्णता है, अपूर्ण दुख निवृत्ति है। ऐसे जो संत होते हैं उनमें भी दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अपनी मस्ती में मस्त, कोई चक्कर प्रचार प्रचार चक्कर में नहीं पड़ते। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मैं दुखी था वैसे अन्य और भी दुखी हो सकते हैं लोग। वे भी दुख से बचने के साधन चाहते हैं, तो चलो हम कुछ प्रचार करें, लोगों को सहयोग करें। तो ऐसे जो संत होते हैं जो कारुणिक होते हैं, कर्म करके प्रचार करते हैं, लोगों को उपदेश देते, लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें कहा जाता है गुरु। गुरु का अर्थ होता है, संतों ने कहा होगा, गुरु का अर्थ होता है भारी, श्रेष्ठ, वजनदार। उसका अर्थ है रहने से वजनदार, शांत मन, संतुष्ट मन, निष्काम मन, ये वजनदारी है। ऐसे जो है वो गुरु है। ऐसे गुरु के पास जाने से वो गुरुता हम में भी धीरे धीरे आएगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा हुआ। पूरे साहब सेवन करना, जल्दीबाजी में किसी को गुरु नहीं बनाना है, गुरु नहीं मान लेना है। किसी के धन को देखकर, किसी के मठ को देखकर, किसी के प्रवचन कला को देखकर, किसी प्रवचन में बहुत भीड़ देख करके भ्रम में मत पड़ जाना कि ये बहुत बड़ा गुरु होगा। स्थिति विपरीत हो सकती है। अधिक धन, बड़ा मठ, बहुत चेले, बहुत भीड़, बहुत सुंदर विद्वता प्रदर्शन करने की कला, बड़े मंत्रियों तक, सेठ साहूकारों तक पहुंच, ये गुरु होने की कसौटी नहीं है। गुरु होने की कसौटी है निष्काम होना, निर्मल मन का होना। हमें इसी रास्ते पर चलना है।
अब यह जिस जो ऐसा वो पूरा गुरु है। अब ऐसे गुरु नहीं मिले तब जल्दीबाजी में पड़ गए, गुरु बिचारे स्वयं को ही उसे बोध नहीं है, तब क्या होगा। जाका गुरु है आंध्रा चेला कहा कराए, अंधे अंधा पीलिया दो कूप पर आए। और नहीं सतगुरु ने मेरे सामने भी कहा है, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दोहों दिशा धाए, आंख में सूझे बावरा घर जरूर भूर बुताए। आवश्यकता है सच्चे गुरु की खोज करने की। वैसे जीवन में अनेक गुरु हैं, हर व्यक्ति को अनेक गुरु मिलते हैं, पदे पदे गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस गुरु की बात यहां कही जा रही है वह गुरु आध्यात्मिक गुरु है, जिससे बोध पाकर, जिससे ज्ञान पाकर के मन की सारी भ्रांति मिट जाए, हमारा भटकाव दूर हो जाए, पूर्ण आत्मसंतोष मिल जाए, वो गुरु है। और ऐसे गुरु की शरण में जाकर के हम पूरा को पूरा दुख मुक्त हो सकते हैं। ऐसे जो गुरु हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनसे हमें जो ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, और गुरु के वे जो गुरु हैं उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए, एक दृढ़ संकल्प लेने के लिए एक पर्व रखा गया, गुरु पूर्णिमा का पर्व। ऐसा नहीं है कि केवल हम आज एक साल में एक दिन असाल पूर्णिमा को गुरु की याद कर ले और बाकी दिन गुरु को भूल जाए, पदे पदे याद करना है, रोज याद करना है। लेकिन मिलजुल करके बहुत लोग मिल करके एक साथ मिल करके गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, इसलिए एक दिन रख दिया गया है ये गुरु पूर्णिमा का पर्व। यहां जितने भी लोग आए हुए हैं, संत साधक भक्त देवियां जितने बैठे हैं, सब किसी न किसी गुरु से जुड़े हैं, किसी न किसी संत या गुरु के प्रति लोगों उनके मन में निष्ठा है, और संत के प्रति गुरु प्रति निष्ठा होना है बहुत जरूरी है। यदि निष्ठा नहीं होगी तो स्थायित्व तो नहीं आएगा, टिकेंगे नहीं। हम कहें निष्ठा टिकाती है हमको, निष्ठा स्थायित्व लाती है, प्रेम स्थायित्व लाता है। प्रेम की डोर से हम बनते हैं किसी गुरु संत गुरु से, तो सबके मन में अपने अपने गुरु के लिए संत के लिए निष्ठा है, प्रेम है। ये प्रेम निष्ठा भावना और उत्तरोत्तर बढ़े, और गुरु ने हमें जो मार्ग दिया बताया है, उपदेश दिया है, उस उपदेश का जीवन में आचरण करके उनके बताए रास्ते पर चल करके हम इसी जीवन में पूरा का पूरा दुख मुक्त हो जाए, ये गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। गुरु ऋण से उऋण होने का अर्थ क्या होता है? दो ढंग से हम गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं। एक तो यह कि गुरु हमें पूर्व के गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है, जो सही रास्ता बताया है, उस ज्ञान को, उस रास्ते को अन्य और लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो ज्ञान और सही रास्ता पा करके उनका भी भटकना दूर हो जाए। ये बाहर से गुरु ऋण से उऋण होना है, और भीतर से उऋण होना है गुरु का जो आदर्श है, आचरण है। जैसे गुरु निष्काम निर्मोह अनासक्त रहे हैं, वैसे ही भीतर से पूर्ण निष्काम अनासक्त निर्मोह होकर के आत्मभाव स्थित होना, अब पूर्ण आत्मशांति आत्मतृप्ति आत्मशांत आत्मसंतुष्टि का अनुभव करना, ये गुरु उसके ऋण से उऋण होना है। और इसी के लिए संकल्प लेने के लिए एक गुरु पूर्णिमा का पर्व आयोजित किया जाता है। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहां एकत्र हुए हैं, संतों से गुरुजनों से हमें जो मिला है उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है, श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, और जो कुछ आज तक भूल चुक हुई उस भूल चुक के लिए हम गुरु के रास्ते से जो भटक चुके हैं उस भटकाव के लिए ग्लानि करते हुए, पश्चाताप करते हुए, क्षमा याचना करते हुए ये दृढ़ संकल्प कर ले कि आज के बाद जो मुझे गुरु ने उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, मैं उसी रास्ते पर ही चलूंगा,
गुरु के मार्ग से व्यर्थ से विचलित नहीं होना है मुझे, जितनी मेरी शक्ति समझ है गुरु बता रास्ते पर ही चलूंगा, ये संकल्प लेना ही गुरु पूर्ण मनाना है, उनके गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, गुरु के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है, और यह हमें इसी रास्ते में चलना है, और यही गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ होता है। आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, दूर दूर से आप सब आए इस कबीर संस्थान कबीर आश्रम में, इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, और सब गुरु के मार्ग में चल करके सच्ची सुख शांति अनुभव करते करें, ये शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही पर मैं अब विराम देता हूं। देव की जय। सुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप ले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गलम दीजिए कर जोर स्तुति गुरु तरण तरण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहेब दीन जीवन पालो आप पारक रूप साहेब जानते सब की मैं अधम करनी जीव सदगुरु नाहियों कछु लायकी गुरु करत हूँ मैं विनती जो सुनिए दीन या नाथ की अधम उदारन भव भयार जीवन करत सनाथ की जगत स्वामी अजीत साहेब परख गुण को गहि सके दया क्षमा दि होय जिन में आप को सो लहि सके मो में सदगुण नाही साहेब लहु मैं कैसे आपको बार बार मैं करत बिनती शरण ली जय दास को शरण शरण मैं शरण हो कहत बने कछु नाय जानत हूँ सबके सर्वोपरि गुरु मा करुणा निधि है स्वागतम मंगल करन शुभ गाइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए बहु राग द्वेषहि ग्राहयुत परवा हमें बहते हुए निज नाम जहाज बैठाय के भवधार पार लगाइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करन शुभयाइए बोले हुए निज दास जो माता और भाई लोग गुरु जी की पूजा वंदना के लिए आना चाहें आगे आ सकते हैं। करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभयाइए बोले हुए निज दास को चरणों मिले अपनाइए है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को गा रहे सबका बता
कर सार असार विशुद्ध बोध कराइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए कामा दिखल दल संग है सत मार्ग में आगे खड़े गुरु ज्ञान अस पर दान करते ही मार छार मिलाइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवक अर्पित पत्र पुष्प स्वीकारिए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भोले को चरणों में ले अपनाइए आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करूं सदगुरु साहेब की आरती करूं सदगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरस परस गुरु चरण शरण आरती कर चुके हैं वो आरती करके पीछे हटे जाएं गुरु चरण जो आरती कर चुके हैं वो आरती करके पीछे हटे जाएं पीछे वाले को आरती करने का मौका दीजिए जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से
भयाहु परख प्रकाश साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दया साहेब आरती हो दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवत हो करी जोर के गुरु शरणागत तोर काम क्रोध मध लोभ में नित मैं रहो भुला दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा मम दृष्टि महामलिन है खानी बानी के बीच दया करे गुरु बोधिये मैं हूँ अधम यतिनी काल जाल बहु फेर में परियो मनि पट गवार शरण आय की लाज है साहेब ली मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम हमने बंदी छोर या दीजिए वरदान सदा यक्ष साहेब के दरबार में कमी काहु की नाई बंदा मुहि पावे नहीं चोक चाकरी मा नागुरोर दिगम तत्तम नागुरोर दिगम तपा गुरुर ज्ञान नाथ परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरुर निष्ठा परम तप गुरुर परतरम नास्ति नास्ति तत्तम गुरु परम। अपने अपने जगह पे सब बैठ जाइए और बैठ के एक साथ सब बंदगी करेंगे। पीछे हट के बैठिएगा ताकि सबके लिए जगह बन जाए। सन्मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय संत समाज की।